ज़रूरी था भाई इसके लिए, बहुत ज़्यादा है पैर में। रबिया को यहाँ पे काफ़ी तेज़ बुखार हुआ है, तो इसके हम लोग, बल्कि रात में हुआ था उसको बुखार, तो पैर में नहीं था, तो रात में हम लोग इसके पट्टियाँ वगैरह रख रहे हैं। तो जब इसको बुखार 104 तक पहुँचता था, ये ज़रा थोड़ी निढाल हो जाती है, और वैसे ही काफ़ी दिन से इसका बुखार चल रहा था, तो ये काफ़ी वीक हो गई है। हालांकि अलहम्दुलिल्लाह इसकी तबीयत, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, बुखार भी इसको नहीं है, बस ये थोड़ी वीकनेस अभी बाकी है, तो उसका ट्रीटमेंट बस चल रहा है, मेडिसिन वगैरह उसको देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी पहले की तरह। और यहाँ पे मेरे पास कैरियाँ रखी हुई थी, तो मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, मैं इसकी लौंजी बना रही हूँ। और लौंजी जो होती है खट्टी मीठी, यानी कि कच्ची पक्की कैरियों की बनती है, ज़्यादा अच्छी टेस्टी होती है, तो मैं उसी की बनाती हूँ। इसमें सिर्फ सारी कच्ची कैरियाँ इस्तेमाल नहीं होती, थोड़ी सी मीठी और जो है खट्टी मीठी यानी कैरियाँ जिसे कहते हैं ना, वो होती हैं। इसके अंदर मैंने थोड़े से ऑयल के अंदर 2 टेबल स्पून करीब ऑयल लिया था, तो उसके अंदर मैंने जो ज़ीरा और सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन, बस इसको डाल के जो है ना इसको हल्का सा फ्राई किया, और फिर इसके अंदर मैंने जो कटी हुई कैरियाँ थी इसको पतली मैंने काटी थी, जो मुख्तलिफ साइज छोटी मोटी साइज़ की अपनी मर्ज़ी से काटें, जैसे भी आपको पसंद हो। तो बस मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो मैंने इसी तरीके से इसकी कटिंग कर ली है, और बस इसको फ्राई करेंगे 3-4 मिनट तक, और इसके बाद थोड़ा सा इसमें बस पानी डालूँगी मैं 4 टेबल स्पून के करीब, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डलेगा। और यहाँ फिर इसके अंदर मैंने गुड़ की शक्कर जो वो इसमें ऐड की है, तो गुड़ की शक्कर मैं इस्तेमाल करती हूँ, आप वाइट शुगर भी कर सकते हैं, जिसको जो भी पसंद हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो उसमें शामिल कर सकता है, मुझे ये पसंद है तो मैं ये डालती हूँ। और बस ये जब 5 मिनट के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी, और फिर मैंने इसके अंदर कुछ और मसाले ऐड किए हैं, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है और काला नमक भी इसमें थोड़ा ऐड किया मैंने, इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च डाली थोड़ी सी, और फूड कलर, और थोड़ी सी मैंने इसमें चुटकी अजवाइन। तो बस इसको मैं इसको मिक्स करूँगी, और इसको तो 3-4 मिनट और मज़ीद पकाऊँगी, और उसके बाद फिर ये रेडी हो जाएगी। तो ये काफ़ी जल्दी बन जाती है, और यार लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने भुना हुआ ज़ीरा होता है ना कुटा, वो डाला था, और उसको मैंने टेस्ट को चखा तो काफ़ी अच्छी टेस्टी थी ये। बस अभी ठंडी हो जाएगी, तो इसको मैं बोल में रख लूँगी, और उसके बाद मैं इसको रैप करके कवर्ड करके उसको मैं फ्रिज में रख लूँगी, तो फ्रिज में भी काफ़ी दिन चल जाती है। और बाकी थोड़ी मैंने इसमें बचाई है, तो वो हम अपने लंच में इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ दोपहर में मैं खाने के बाद चक्कर मैंने ऊपर लगाया, कि पीछे हमारी जो जमीन खाली थी यहाँ पर कुछ कटिंग हो रही थी, काफ़ी स्पेशली कटिंग हो रही थी, कि रिहाइशों का भी कहना था, और वैसे भी कि यहाँ पर जो सबकी कंप्लेन थी कि भाई इनको कटवाया जाए, ताकि वैसे तो इनकी कटिंग होती रहती है हर साल, लेकिन इस दफ़ा कभी कटिंग थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो मैंने इसी कटिंग करवाई है, क्योंकि मच्छर वगैरह कीड़े मकोड़े हो जाते हैं झाड़ियाँ बढ़ने से। और ये फिर अगले दिन का व्लॉग है, तो सुबह का टाइम है, तो ये अभी खांसी काफ़ी आ रही थी, ऐसे नहीं आराम से आराम देखो, और ये ज़्यादा अपनी मर्जी की थोड़ी बहुत चीज़ें बस ये लेती है, ज़्यादा नहीं खाती पीती है, मना करती है। तो सेब का जूस इसने मना किया था, तो मैंने कहा चलो उसको थोड़ा सा सेब, उसको मैंने काट के दे दिया था बारीक बारीक, चलो भी ठीक हो जाओगी। और फिर ये कह रही थी कि मैं चाय पीऊँगी, चाय और कुछ नहीं खाऊँगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस मैं जल्दी जल्दी नाश्ता रेडी कर रही हूँ, इसलिए कि नाश्ते के बाद फिर दूसरे काम भी घर के होते हैं, वो भी करने होते हैं, और बीमारी तो ज़ाहिर दुख बीमारी सब साथ है ज़िंदगी के, तो आती जाती रहती है ज़ाहिर कभी कोई बीमार है। और ये जो पपीते का पत्ता देख रहे हैं, तो ये मैंने इसके इसका जूस बनाने के लिए, इसका एक ड्रिंक्स बनाने के लिए, ड्रिंक रबिया को देने के लिए मंगवाया था ऐसे मेडिसिन। इससे पहले मैंने कहा पहले ग्रोसरी जो है इसको भी मैं रख दूँ, इसलिए ग्रोसरी करके आओ तो फिर इसको संभालना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये दालें मैं सारी फिल कर दूँगी इसके अंदर जल्दी जल्दी, तो बस फुर्ती से ये सारे काम मैं कोशिश करती हूँ कि निपटाऊँ, ताकि दिन मेरा जो है ज़ाया ना हो। और हर दिन जो है कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ आप सीखें। और यहाँ पे मैं इसकी
इसके लिए जो जूस तैयार कर रही हूँ उसमें पपीते का पत्ता डाला मैंने इसमें, और बड़ा हो तो हाफ कर लें, और थोड़ा सेब डाला इसमें हाफ, और इसको ब्लेंड करके और इसको छान के ना इसमें मैं थोड़ा सा नींबू लेमन का जूस भी ऐड करूँगी, और उसके बाद फिर इसको मरीज़ को पिला दें। तो ये जो डेंगू फीवर का होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, प्लेटलेट्स इससे काफ़ी रिकवर होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसके प्लेटलेट्स कुछ कम आए थे टेस्ट में, तो मैंने इसको पी 3 दिन तक ये माशाल्लाह से इसको मैंने पिलाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी इसको फ़ायदा भी हुआ, इसके प्लेटलेट ठीक हो गए। लेकिन बुखार इसका जो था थोड़ा प्रोलॉन्ग चला है। अब यहाँ पे जो मैं बाकी के जो अपने काम है वो निपटा रही हूँ, तो ये मैंने इसमें जो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था ताकि ये मेरा ख़त्म हो चुका था बिल्कुल, तो बस मैं इसके क्यूज़ बनाऊँगी। क्यूज़ बनाने से फ़ायदा होता है कि एक तो ये कि आपको चीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो आपको एक चीज़ मतलब पहले से आपके पास मौजूद होती है सेव हुई हुई ना, उसे आप इस्तेमाल कर लें यूज़ निकाल के, और साथ मैंने इसका पेस्ट बना के वो भी रख लिया है। इसको मैं डेली यूज़ करती हूँ, और क्यूब्स जो हैं ये मैं जब ये ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं इन क्यूब्स को इस्तेमाल करती हूँ, तो इससे टाइम भी सेव होता है और ये कि सहूलत भी रहती है। और फिर यहाँ पर मैंने ये ग्रीन चिलीज जो हैं इनको मैंने इनका पेस्ट बनाया है, तो बस इसका पेस्ट बना के भी मैं रख लूँगी। तो ये क्यूब्स भी मेरे काफ़ी खाने में हेल्प करते हैं, इससे कि आजकल मैं जो रेड चिल्ली होती है ना सुर्ख मिर्च, उसका इस्तेमाल मैं कम करती हूँ, इसलिए कि उससे एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ ग्रीन चिल्ली का इस्तेमाल ज़्यादा करूँ। और इसके बाद फिर लास्ट में मैंने टमाटर के क्यूब्स भी बनाए थे, तो इसको भी मैं इनको फ्रीज़ करके रख दूँगी, तो ये भी मेरे काम में बहुत हेल्प करते हैं, हेल्प आउट करते हैं मुझे, इसलिए आजकल टमाटर भी काफ़ी महंगे हैं, और टमाटर गर्मियों में जल्दी ख़राब भी जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने ये लास्ट में मैंने ये रायते के थोड़े से क्यूब बनाए थे पुदीने के। इन सब कामों से फारिग होने के बाद बस हम लंच कर रहे हैं दोपहर का, तो रबिया की तबीयत थोड़ी सी बेहतर थी तो ये भी हमारे साथ बैठ गई थी इस वक्त, वरना उमन ये अपने बेड पर ही मतलब खाना वगैरह खाती है, लेकिन आज ही हमारे साथ शामिल हुई। तो बस यहीं तक मेरा व्लॉग था, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल बनाया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छा सा कमेंट्स क्या कीजिए, हमारी हौसला अफज़ाई कीजिए, और आप सबकी हौसला अफज़ाई की बहुत ज़रूरत है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।